वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग स्पार्टन। सो बैंकिंग स्पार्टन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो करंट अफेयर की सीरीज़ में सेकेंड वीक अक्टूबर का करंट अफेयर करेंगे, है ना। तो इसमें हम अक्टूबर 8th ऑफ अक्टूबर से लेकर तो जो 14th ऑफ सेकेंड वीक का करेंगे अक्टूबर के, उसके बाद 8th ऑफ अक्टूबर से 14th ऑफ अक्टूबर तक हम ये करंट अफेयर करेंगे, है ना। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट लॉन्चेस मोबाइल ऐप किसान रथ टू प्रमोट बायर सेलर नेटवर्क। तो किस गवर्नमेंट ने अभी मोबाइल ऐप लॉन्च करी है किसान रथ प्रमोट करने के लिए बायर और सेलर को, तो वो है कौन सी, असम है, वेस्ट बंगाल है, एमपी है या आंध्र प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर है असम, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया, एम राजेश्वर राव, उदय शंकर, अश्विनी कुमार या सुरेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर है एम राजेश्वर राव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स मिंत्रास फर्स्ट डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर। तो मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, रणवीर सिंह, भुवन बम, गौरव तनेजा, आमिर खान। तो इसका राइट आंसर है भुवन बम, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सन रैंक एज इंडियाज रिचेस्ट फॉर 13th ईयर इन फोर्ब लिस्ट, है ना। तो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा या सैली पारेख। तो इसका राइट आंसर है मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी को इंडिया का रिचेस्ट पर्सन 13th ईयर में फोर्ब की लिस्ट में बताया गया, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दैट इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च टू एनहेंस कोस्टल सिक्योरिटी, है ना। तो उस कोस्टल गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम बताना है जो कोस्टल सिक्योरिटी के लिए, कोस्टल सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए लॉन्च किया गया। तो उसका नाम या विग्रह है, विरा है, विराद है या वज्र है। तो इसका राइट आंसर है विग्रह। विग्रह को ऑफशोर पेट्रोल वेसल लॉन्च किया है जो कोस्टल सिक्योरिटी को एनहेंस करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस डिसटो एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, है ना। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि डिसटो है, वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो वो गुजरात में किया है, महाराष्ट्र ने किया है, वेस्ट बंगाल ने किया है या गोवा ने किया है। तो इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा ने डिसटो ये ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम दैट स्टार एंड डिज्नी इंडिया चेयरमैन हु क्विट्स रिसेंटली, है ना। तो स्टार और डिज्नी इंडिया के चेयरमैन कौन है जिन्होंने अभी रिसेंटली क्विट किया है, तो उदय शंकर है, अनिल कुमार चौधरी है, शशि शंकर है या मनोज जैन है। तो इसका राइट आंसर है उदय शंकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एमडी सीईओ ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, है ना। वो सी विजय कुमारन है, तपल सिंगल है, जीबी प्रसाद है या जय वेंकट रमु है। तो इसका राइट आंसर है जय वेंकट रमु, है ना। जय वेंकट रमु को अभी एमडी और सीईओ बनाया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन नोबल केमिस्ट्री प्राइज फॉर जेनरेटिंग टूल। जेनरेटिंग टूल के लिए किसको नोबल केमिस्ट्री का प्राइज मिला है, तो वो इमुलेले कारपेंटर और जेनिफर है। तो चारपेंटर और जेनिफर है, या तो जॉन बी गुडेनोफ या अकीरा योशिनो है, या वो जॉर्ज स्मिथ, जॉर्ज विंटर है या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है चारपेंटर और जेनिफर, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रीइलेक्टेड चेयरमैन ऑफ एमएफआई। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इन इंडिया का जो चेयरमैन, उसको फिर से किसको रीइलेक्ट किया गया, तो निमेश शाह को किया गया, दीपक बी पाठक को किया गया, विनय एम तोनसे को किया गया या नीलेश शाह को किया गया। इसका राइट आंसर है नीलेश शाह को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिटी यूनिवर्सिटी साइंस मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच मिनिस्ट्री
टू प्रमोट रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। तो अमेठी यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली MOU किस मिनिस्ट्री के साथ साइंस साइन किया है, तो या तो आयुष मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर है, होम मिनिस्ट्री है, या डिफेंस मिनिस्ट्री है। तो इसका राइट आंसर है आयुष मिनिस्ट्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक अप्रूव्स फंड फॉर दिल्ली मेरठ रैपिड रेल मुंबई मेट्रो। तो किस बैंक ने अप्रूव किया है फंड दिल्ली मेरठ रैपिड रेल मेट्रो के लिए, मुंबई मेट्रो के लिए? तो ADB बैंक है वो, या IIB बैंक है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक है, या ब्रिक्स बैंक है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिक्स बैंक। तो ब्रिक्स बैंक ने अभी रिसेंटली अप्रूव करा है फंड दिल्ली मेरठ रैपिड रेल और मेट्रो मुंबई मेट्रो के लिए, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। इंडिया और किस कंट्री ने रिसेंटली अभी साइबर सिक्योरिटी को लेकर कोऑपरेशन फील्ड में साइन करा है? तो ये कौन सी कंट्री है? जापान है, नॉर्थ कोरिया है, इसराइल है, या USA? तो इसका राइट आंसर है जापान। जापान इसका राइट आंसर है। जापान के साथ भारत ने साइबर सिक्योरिटी के लिए एक डील साइन करी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडिया GDP एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच परसेंट दिस ऑफिशियल इन वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट टाइटलेड साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस। तो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार इंडिया कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा? तो 9.6%, 9.5%, 10.2%, 10.6%। तो अगर आंसर है 9.6%, है ना। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार 9.6% इंडिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पर्सन अवार्डेड 2020 नोबल प्राइज इन लिटरेचर, है ना। तो या वो लिटरेचर का जो 2020 का नोबल प्राइज किसको मिला है? तो वो इशिगुओ को मिला है, काजुओ इशिगुओ को, या लुइस ग्लेक को मिला, या पीटर हैंडके को मिला है, या ओल्गा टोकरेचिक को मिला? तो इसका राइट आंसर है लुइस ग्लूक, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टू सेट अप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब इन पार्टनरशिप विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो किस स्टेट ने पार्टनरशिप करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में मैन्युफैक्चरिंग हब को लेकर? तो वो कौन सी स्टेट है? ये तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, या महाराष्ट्र है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने रिसेंटली अभी मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए पार्टनरशिप करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी टू अक्वायर US बेस्ड ब्लू एक्रॉन ICI फॉर 125 मिलियन। तो किस कंपनी को, कौन सी US की कंपनी है जिसने ब्लू एक्रॉन को रिसेंटली अक्वायर करा? तो TCS है, वो HCL है, वो इन्फोसिस है, या वो JP Morgan है? तो US बेस्ड जो ब्लू एक्रॉन ICICI है, उसको किस कंपनी ने अक्वायर करा? इन्फोसिस ने। रिसेंटली इन्फोसिस ने ब्लू एक्रॉन ICICI को 125 मिलियन डॉलर में इसको अक्वायर करा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान पास्ट अवे, ही बिलोंग्स टू विच मिनिस्ट्री? किस मिनिस्ट्री से वो बिलोंग करते थे रामविलास पासवान जी? तो वो आयुष मिनिस्ट्री से थे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से थे, कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से थे, या मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से थे? इसका करेक्ट आंसर है कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी गवर्नमेंट हैज साइंड द कंसेशनर एग्रीमेंट विथ विच एयरपोर्ट टू स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटर नोएडास जवार एयरपोर्ट। तो जवार एयरपोर्ट को रिसेंटली बिल्डअप करने के लिए किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ एक मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा, एग्रीमेंट साइन करा? तो वो ज्यूरिख है, बीजिंग डेजिंग है, या आम्स्टर्डम एयरपोर्ट है, या ऑरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ज्यूरिख एयरपोर्ट, ये स्विट्जरलैंड में, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु रिसीव्ड सरला पुरस्कार? तो रिसेंटली सरला पुरस्कार किसको मिला है? नित्यानंद नायक को, राहत राहत इंदुरी को, प्रदीप देश को,
या शत्रुघ्न पांडव को, तो राइट आंसर है नित्यानंद नायक को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट हर घर जल स्टेट बाय प्रोवाइडिंग टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो जो कौन सी स्टेट पहले स्टेट बन गई है जिन्होंने हर घर जल स्टेट सबसे पहले प्रोवाइड करा है, जो हर रूरल हाउस होल्ड को हर घर जल प्रोवाइड करा है, तो वो कौन सी स्टेट है? वो है गोवा, वो है बिहार, वो या महाराष्ट्र है, वो है केरला। तो इसका राइट आंसर है गोवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गॉट नोबल पीस प्राइज? तो नोबल पीस प्राइज किसको मिला है? तो WHO को मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, यूनाइटेड नेशन को मिला है, या वर्ल्ड बैंक को मिला है? तो जो नोबल पीस प्राइज है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च सौर स्वरोजगार योजना? सौर स्वरोजगार योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है टू जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूथ और माइग्रेंट? यूथ और माइग्रेंट को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, यूथ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और यूथ माइग्रेंट के लिए स्वरोजगार योजना किस स्टेट ने लॉन्च करी है? तो गोवा ने करी है, उत्तराखंड ने, महाराष्ट्र या बिहार? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। रिसेंटली उत्तराखंड ने स्वरोजगार योजना लॉन्च करी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस जगन्ना विद्या कन्नुका स्कीम? तो जगन्ना विद्या कन्नुका स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? तो ये है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या केरला? तो इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश, बाय मिस्टेक गोवा आ गया, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी ईयर 11th अक्टूबर सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द गर्ल चिल्ड्रन, दिस ईयर थीम वॉज? तो हर साल 11th अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाते हैं, इस साल उसकी थीम क्या थी? तो माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, या गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल, फिर विथ हर अस्किल्ड गर्ल फोर्स एम्पावर गर्ल्स इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज एंड रिसाइलेंस प्लानिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, है ना? तो इसका आंसर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम फर्स्ट पोलिश प्लेयर टू विन अ ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल व्हेन शी बीट अमेरिकन सोफिया केनिन इन दी फ्रेंच ओपन फाइनल? तो जो फर्स्ट पोलिश प्लेयर है जिसने सोफिया केनिन को बीट करके फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता है, तो वो कौन थी? तो वो स्वेटेक थी, वो उर्जुएला थी, वो मैग्दा लिनेटी थी, या रोसो लोका थी? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वेटेक। स्वेटेक ने रिसेंटली जो फर्स्ट पोलिश प्लेयर है 19 ईयर ओल्ड, उन्होंने बीट करा है सोफिया केनिन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर एट BEML? तो BEML का जो डायरेक्टर है वो किसे अपॉइंट किया गया? तो अमित बनर्जी को किया गया, MP मिश्रा को किया गया, PK सिन्हा को किया गया, या RP गोयल को? तो इसका करेक्ट आंसर है अमित बनर्जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स फर्स्ट नेशन टू अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट? तो कौन सा फर्स्ट नेशन बन गया है जिसने अप्रूव करा है GM मॉडिफाइड वीट के लिए? तो वो ब्राज़ील है, वो अर्जेंटीना है, वो बोलोविया है, या पेरू है? तो इसका करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ किर्गिस्तान्स न्यू प्राइम मिनिस्टर? तो किर्गिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? सदर जोप्रोव है, या सपर इश्कोव है, या करीम मासीमोव है, या अस्कर मामिन है? तो इसका करेक्ट आंसर है सदर जापोरो। सदर जापोरो जो है वो किर्गिस्तान के न्यू प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट एंड KPIT टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली रन ट्रायल्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजेनिक फ्यूल सेल कार? तो कौन से इंस्टीट्यूट और KPIT टेक्नोलॉजी ने फर्स्ट ट्रायल रन करा हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार के लिए? तो वो CSIR है, IIT मुंबई है, IISc बेंगलोर है, या IIT दिल्ली है? तो इसका करेक्ट आंसर है CSIR।
CSIR और KPIT टेक्नोलॉजी ने अभी रिसेंटली अपना ट्रायल सक्सेसफुल करा है इसको लेकर, हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार को लेकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवी शिप्स एडजर्ड एज बेस्ट शिप इन FAF 2020? तो किस नेवी शिप को बेस्ट शिफ्ट का अवार्ड मिला FAF में? तो वो है तलवार एंड शिवालिक, वो है शायद्री और कोरा, वो है तलवार एंड शायद्री, फिर वो है शिवालिक एंड कोरा। तो करेक्ट आंसर है शायद्री एंड कोरा, शायद्री और कोरा को बेस्ट शिप का अवार्ड दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ पार्टनरेड विथ ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन टू एम्पावर लर्नर्स एंड एजुकेटर्स इन न्यू एज टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग? तो किस कंपनी ने पार्टनरशिप करी है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर? तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के साथ ऑल इंडिया काउंसिल ने पार्टनरशिप करी है IoT, AI और क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक एक्सटेंडेड $400 मिलियन सॉफ्ट लोन टू मालदीव्स फॉर फाइनेंसिंग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट? तो फाइनेंस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए किस बैंक ने 400 मिलियन का सॉफ्ट लोन दिया है? तो वो है SBI बैंक, एक्जिम बैंक, BOB बैंक या PNB बैंक? तो इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर है एक्जिम बैंक। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है? एक्जिम बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली RBI रिवेलेड द डिजिटल पेमेंट हैव ग्रोन एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ हाउ मच परसेंटेज बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2016 टू 2020? तो 2016 से 2020 तक जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो कितना हुआ है? तो कितना हुआ है, 55.1 या 54.1 या 55.2 या 51.1? तो इसका करेक्ट आंसर है 55.1% इतना ग्रोथ हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक लॉन्चेस एस क्रेडिट कार्ड इन कोलैब विथ गूगल पे एंड वीज़ा? तो किस बैंक ने लॉन्च करा है एस क्रेडिट कार्ड, कोलेब्रेशन करा जिसके गूगल पे और वीज़ा के साथ में? तो ICICI बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, HDFC बैंक ने या PNB बैंक ने? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक ने। तो एक्सिस बैंक ने रिसेंटली एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है किसके साथ कॉलेब करके, गूगल पे और वीज़ा के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर कार्ड अनाउंसेस अ पार्टनरशिप विथ विच रेगुलेट टेक स्टार्टअप टू अनेबल वीडियो बेस्ड KYC सॉल्यूशन फॉर इट्स बैंकिंग कस्टमर्स? तो मास्टर कार्ड ने किसके साथ पार्टनरशिप करी, किस रेगुलेट टेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है? सेंजी के साथ में, अलीकास्ट के साथ में, बुकालापक के साथ में या इमर्ग के साथ में? तो इसका करेक्ट आंसर है सिग्नेंजी। तो सिग्नेंजी के से मास्टर कार्ड ने पार्टनरशिप करी है और किस लिए, टू अनेबल वीडियो बेस्ड KYC सॉल्यूशन के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज़ एग्रीड टू एक्सटेंड अ सब्सिडी ऑफ हाउ मच परसेंट ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ नोटिफाइड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स थ्रू किसान रेल ट्रेन अंडर ऑपरेशन ग्रीन? तो कितना परसेंट जो सब्सिडी एक्सटेंड करी है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने? तो 50%, 75%, 25% या 35%? इसका करेक्ट आंसर है 50%, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP टू कॉन्ट्रैक्ट हाउ मच परसेंट इन 2020, है ना। तो IMF ने कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट किया है? तो वो है 10.3%, 10.4%, 11.3%, 9.3%? तो इसका करेक्ट आंसर है 10.3%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड सस्टेनेबल एंटीमाइक्रोबल रैपिंग मटेरियल दैट कैन प्रिवेंट पैकेज फूड कंटेमिनेशन बाय बैक्टीरिया एंड इज बायोडिग्रेडेबल, है ना। तो किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप करा है एंटी माइक्रोबल रैपिंग मटेरियल? वो IIT मद्रास ने, IIT मुंबई ने, IISc बेंगलोर ने या IIT दिल्ली ने? तो इसका करेक्ट आंसर है IIT
मद्रास, आईआईटी मद्रास ने अभी एंटी माइक्रोबायल रैपिंग मटेरियल बनाया है, किस लिए? टू प्रिवेंट पैकेजिंग फूड कंटेमिनेशन बाय बैक्टीरिया एंड बायोडिजिटिस, क्या है ये? बायोडिग्रेडेबल है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ईयर 14 अक्टूबर मेंबर्स ऑफ आईईसी, आईएसओ एंड आईटीयू सेलिब्रेट वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, थीम फॉर दिस ईयर। तो जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे है उसके लिए साल की थीम क्या थी? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वीडियो स्टैंडर्ड्स क्रिएट अ ग्लोबल स्टेज, प्रोटेक्टिंग द प्लानट विद स्टैंडर्ड्स एंड स्मार्ट हेल्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटेक्टिंग द प्लानट विद स्टैंडर्ड्स। तो इस साल उसकी थीम क्या थी? प्रोटेक्टिंग द प्लानट विद स्टैंडर्ड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डी बी अप्रूव्स हाउ मच लोन टू फाइनेंस वाटर सप्लाई सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन राजस्थान। तो ए डी बी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने कितना लोन अप्रूव करा है वाटर सप्लाई सैनिटेशन जो कि राजस्थान के लिए? तो वो 300 मिलियन है, 500 मिलियन है, 250 मिलियन है या 200 मिलियन है? तो उसका करेक्ट आंसर है 300 मिलियन, 300 मिलियन का लोन एडीबी ने अप्रूव किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी ओवरटेक्स एसेंचर टू बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल सर्विस कंपनी? तो किस कंपनी को एसेंचर ने एक्वायर करा है, तो किस कंपनी ने एसेंचर को ओवरटेक कर दिया और वर्ल्ड की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल सर्विस कंपनी बन चुकी है? तो कौन है वो? TCS है, इन्फोसिस है, HCL है या JP Morgan है? तो इसका करेक्ट आंसर है TCS। TCS ने रिसेंटली ओवरटेक कर दिया है किसको? एसेंचर को, और क्या बन गई है? बिकम्स वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल सर्विस कंपनी। कौन? TCS। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन? तो कौन सी फर्स्ट स्टेट बन चुकी है जो गो डिजिटल इन पब्लिक एजुकेशन, डिजिटल में जो पब्लिक एजुकेशन में डिजिटल पूरी तरीके से कर चुकी है? तो वो कौन सी है? वो गोवा है, केरला है, तमिलनाडु है या पंजाब है? तो इसका करेक्ट आंसर है केरला, है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट बिकम्स AIS फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट? तो AI का जो एयरपोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट है जो 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट बन चुका है? तो कौन सा एयरपोर्ट है वो? पंडुचेरी है, जयपुर है, दीव एयरपोर्ट है या इंदौर एयरपोर्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है पुदुचेरी एयरपोर्ट। तो पुदुचेरी एयरपोर्ट बिकम्स AI's फर्स्ट 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत कृष्णा पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज फॉर्मर चेयरमैन एंड CEO ऑफ विच बैंक? तो जो अनंत कृष्णा है जो पास अवे हो गए रिसेंटली, वो किस बैंक के चेयरमैन और CEO थे? कर्नाटक बैंक के, फेडरल बैंक के, PNB बैंक के या ICICI बैंक के? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक बैंक। तो कर्नाटक बैंक के ये चेयरमैन और CEO रह चुके हैं, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CM Cheng रिसेंटली पास्ट अवे, ही वॉज इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो जो CM Cheng है जो रिसेंटली पास्ट अवे, मतलब जो गुजर चुके हैं रिसेंटली, वो किस स्टेट के इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे? तो वो नागालैंड के थे, मणिपुर के, मिजोरम के या असम के? तो इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड, है ना। नागालैंड के वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे नागालैंड स्टेट के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वोन इफिल ग्रैंड प्रिक्स एंड इक्वलेट माइकल शूमाकर्स ऑल टाइम रिकॉर्ड 91 फार्मूला 1 विंस, है ना। तो कौन है वो? वो वी बोटस है, जी रशेल है, डी कवियत है या लुइस हैमिल्टन है? तो इसका करेक्ट आंसर है लुइस हैमिल्टन। रिसेंटली लुइस हैमिल्टन ने इफिल ग्रैंड प्रिक्स जीती है और उन्हें इक्वल कर दिया है माइकल शूमाकर के ऑल टाइम रिकॉर्ड को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कार्टून चंपन पास्ट अवे, ही बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स? तो कार्टून चंपन जो थे वो किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे? तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी? तो जो कार्टून चंपन है रिसेंटली पास्ट अवे हो गए, वो फुटबॉल से रिलेटेड थे। किस स्पोर्ट्स को बिलोंग करते थे वो? और फुटबॉल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक द खालिस्तान कॉन्स्परेसी राइटर, तो जो बुक है खालिस्तान कॉन्स्परेसी उसके राइटर कौन है? GB सिंधु है, जयराम रमेश है,
जनारन ठाकुर है, इंद्रजीत हजारे है, तो इसका करेक्ट आंसर है जीबीएस सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज अपॉइंट्स हु एज अ चीफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल ऑफिसर। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने किसको अपना चीफ टेक्नोलॉजी और डिजिटल ऑफिसर बनाया, तो वो है सुभाष केलकर, राहुल पारेख, अंजनी राठौर या रितेश पाई। तो उसका करेक्ट आंसर है सुभाष केलकर। तो रिसेंटली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सुभाष केलकर को अपना चीफ टेक्नोलॉजी और डिजिटल ऑफिसर अपॉइंट करा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल नडाल बीट्स टू विन हिज 13th फ्रेंच ओपन मेन्स सिंगल टाइटल। तो राफेल नडाल ने किसको बीट करा है और अपना 13th जो फ्रेंच ओपन टाइटल जीता है, तो किसको बीट करा है, नोवाक जोकोविच को, रोजर फेडरर को, एंडी मुरे को या नन ऑफ दिस में, इसमें से कोई नहीं। तो जो राफेल नडाल ने रिसेंटली किसको बीट करा है फ्रेंच ओपन के फाइनल में, तो वो है नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच को उन्होंने हरा कर अपना टाइटल जीता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल CIIIGBC साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच रेगुलेटरी बॉडी टू एक्सलरेट द ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट इन इंडिया। तो किस किस रेगुलेटरी बॉडी के साथ में CIIIGBC ने IGBC ने MOU साइन करा है टू एक्सेलरेटेड द ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट इन इंडिया। तो किसके साथ साइन करा है, द नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ में, सेबी के साथ में, RBI के साथ में या IRDA के साथ में। तो इसका करेक्ट आंसर है द नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ में, है ना। तो नारेडेको के साथ में CIIIGBC ने MOU साइन करा है टू एक्सेलरेट द ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट इन इंडिया के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSDL ई गवर्नेंस अपॉइंट्स विच पर्सन एज न्यू CEO एंड MD। तो NSDL ई गवर्नेंस के लिए किस पर्सन को अपॉइंट CEO और MD के लिए अपॉइंट करा है, वो सुभाष केलकर है, राहुल पारेख है, सुरेश सेठी है या रितेश पाई है। तो NSDL ने किस पर्सन को अपॉइंट करा है, तो वो है सुरेश सेठी को। सुरेश सेठी को न्यू CEO और MD अपॉइंट करा है किसने, NSDL ने। तो ये थे हमारे जो टॉप 50 जो करंट अफेयर थे जो सेकेंड वीक के थे अक्टूबर मंथ के, तो ये यहीं पर फिनिश होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो आएगा वो थर्ड वीक का होगा, जिसमें हम 15th ऑफ अक्टूबर से लेकर, तो जो भी नेक्स्ट वीक का जो 7 डेज का 22 तक, जो भी अक्टूबर तक जो भी करंट अफेयर होगा वो कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर ओन चैनल बैंकिंग स्पार्टन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।